नमस्कार दोस्तों, फिर से पाए जाए विदा पे स्वागत करती हूँ आपका। बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं जिनको ओपनली डिस्कस करना हमारा इंडिया पे उतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि लेडीज़ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके घुटती रहती हैं, और मैरिड हैं तो नेचुरली हस्बैंड के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ना कोई इशू ऐसा रहता है उसके मन में, एक टाइम पे जाके उसकी बिल्कुल सहवास या हम लोग कहें कि फिजिकल जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे एक बात तो मैं ये पहले ये देखेंगे कि हम लोग के भगवान ने औरत और आदमी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। कहते हैं कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस, है ना। तो वो बिल्कुल अलग प्रकृति है उनकी, और औरतों की बिल्कुल डेलिकेट सी प्रकृति भगवान ने बनाई हुई है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बेबीज हो गए या कोई मेंटल ट्रॉमा ऐसा हुआ है तो लेडीज़ में उसकी रुचि नहीं रहती, और क्योंकि ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते तो आप किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। आप लोग सोचते हो कि ये ऐसे ही है तो शायद ऐसे ही होगा, और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज़ ए प्रॉब्लम। यहाँ पे होता क्या है, मेरी मेरे दिमाग में वो जो हार्मोन्स मुझे चाहिए जो मेरी बॉडी में इच्छा पैदा करते हैं, उन हार्मोन्स की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो वो किसी भी रीज़न करके हो, मुझे कोई चोट लगी है, मुझे कोई सदमा लगा है, तो कोई भी रीज़न है, तो हमें उस पर उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप किसी अच्छे किसी लेडी डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी फिजिकल नहीं होती उतनी, मेंटली ज़्यादा होती हैं। कि आपको टच नहीं अच्छा लगता, आपको उसका कोई एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं कि जिसको अगर जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करोगे, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ एक फैक्टर ऐसा रहता है कि मतलब औरतें खुद ही आपस में डिस्कशन से ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सेंसिटिव, इससे संवेदनशील मुझे नहीं लगता कि कोई भी और इशू होगा हमारा, क्योंकि हम लोग हर तरीके से, मेरे हाथ में छोटी सी भी चोट लग जाए मैं इंजेक्शन लगाने जाती हूँ। तो ये इतना बड़ा मुद्दा होता है कि हम लोग इसको डिस्कस ही नहीं करते, तो उसके चलते इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में, एक प्रॉब्लम से लेके दूसरी तीसरी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको इसके बारे में खुल के डिस्कस जरूर करना चाहिए। आपको लगता है कि आपका पार्टनर इतना कैपेबल है कि आप उससे डिस्कस करेंगे और उससे आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लगता तो आप जरूर किसी से बात करें या डॉक्टर से बात करें। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि सीरियसली फिजिकल मैटर नहीं करता यहाँ पे, वो फिजिकल बाद में बनता है, पहले मेरे मन में कुछ डाउट पैदा होने शुरू हो जाते हैं, या मेरी हार्मोनल सक्रीशंस जो है मेरी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, जिससे बाद में क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी तो नेचुरली आपका इच्छा नहीं होगी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम लोग पुरानी बातें करें तो आपने देखा होगा जितनी भी हमारी मूवीज़ बनती हैं, जहाँ पे भी कहीं भी वो बाजार का सीन, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि वो लेते हैं, तो वहाँ पे भी वो देखोगे आप कि वो हमेशा दिखाते हैं कि वो लेडी जो है वहाँ पे ग्रुप में सब सुपारी काटते दिखाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है लोगों को कि सुपारी सबसे अच्छी एफ्रोडाइसिक है फॉर गर्ल्स। तो सुपारी, सुपारी पाक, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता है बट कई लोगों को नहीं पता है। तो वो क्या करती है, जैसे मेन वो इतनी सारी चीज़ें अश्वगंधा, शिलाजीत और ये और बहुत सारे स्थावर, ये सारी सारी चीज़ें फॉर मैन है एक एफ्रोडाइसिक, ऐसे ही वुमेन के लिए भी अलग से होती हैं। तो सुपारी 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 पाक, क्योंकि
हार्मोनल फ्लक्चुएशन तो होती है, वो किसी भी एज में हो सकती है, वो मेरी किसी भी मेरे रिस्पॉन्स से हो जाती है मेरी बॉडी में, तो उससे, क्योंकि जब तक आपका माइंड उस जगह, जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आपके लिए कोई भी मेडिसिन आप लेते रहोगे आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो आपको दोनों तरीके से काम करना होता है, आपको खाने के लिए भी कुछ चाहिए जो आपके माइंड में इंड्यूस कर सके, यस आई हैव द डिजायर फॉर दैट। बिकॉज ये इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग एक सन्यासी नहीं है, या तो हम सन्यासी हो तो हमें अपनी अर्जेस को कंट्रोल करना है। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो आपको अपनी और अपने हस्बैंड की डिजायर्स को पूरा करना होगा। अगर वहां पे कोई कमी होती है देन स्टार्ट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जो भी मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहती। पर हमें यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे में ऐसी कोई चेंजेस आ रही हैं तो आप उसको डिस्कस जरूर करिए और उसका समाधान जरूर लीजिए। सिंपल अगर कोई भी ऐसा रीजन आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू अगर आपको नहीं लगता, सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम या एज के साथ होता है कि हमारी रुचि नहीं रहती, तो फिर सिंपल सी चीजें हैं जैसे ये सुपारी पाक है, ऐसे फेमिक्योरा ग्रेन्यूज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेन में ये प्रॉब्लम होती है, वुमेन में भी होती है कि आपको इच्छा ही नहीं होती, किसी भी डिजायर्स नहीं रहती, तो ये सारी मेडिसिन आप उस टाइम ले सकते हो, वो आपको हेल्प करती हैं सो दैट आपके मन में वो जो आप चीजें लेयर बाय लेयर अपने मन में लेके आते रहते हैं वो सारी चीजें आपकी सबसाइड होनी शुरू हो जाती हैं और फिर आपको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। आजकल नेट पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आते रहते हैं कि ऐसी ऐसी मुझे फीलिंग आती है, ऐसी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर देखना चाहिए। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस मैं बना रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे में ये चीज़ कमी हो रही है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद कभी भी नहीं कहता कि आपकी कोई डिज़ायर हो रही है आप उसको सबसाइड मत कीजिए, क्योंकि जब हम लोग सबसाइड करना शुरू करते हैं तो हमारी और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो आपका कोई भी इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपको इशू है, यू कैन टॉक टू मी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन गिव मी व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझे मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके लिए प्रॉपर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ ऑल हेयर माइंड रिलेटेड होती हैं, बिकॉज इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सो यहाँ पे हारमोन्स का एक सेकेंड का खेल होता है, तो हमें उस पर वर्क करना होता है। तो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर, कोई इशू है मेरे से डिस्कस करें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।